Bueno, Vou ter que. Spider-Man? Hey guys, तो मार्वल की वॉट इफ सीरीज थोड़े दिन पहले ही खत्म हुई है और अगर आपको वॉट इफ शो पसंद आया तो आज मैं 6 मार्वल के एनिमेटेड शोज बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही अमेजिंग है और आपको जरूर पसंद आएंगे। और आज मैं जो भी मार्वल के एनिमेटेड शोज बताऊंगा वो सारे अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो उनको। तो इसलिए बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पर है एवेंजर्स अर्थ माइटीएस्ट हीरोज। तो इस शो की सबसे अच्छी बात यह है कि जो इसका फर्स्ट सीजन है वो एकदम मिलता जुलता कॉमिक्स से, मतलब वो कॉमिक्स से सिमिलर है और वो जैक कर्बी और स्टैनली की ओरिजिनल कॉमिक्स से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। और इसमें स्क्रल वॉर, सीक्रेट इन्विजन जैसे फेमस कॉमिक बुक इवेंट्स भी है। और इस शो के पूरे 2 सीजन है जिसमें से दूसरे सीजन में इसमें एमसीयू के कुछ कुछ एलिमेंट्स भी है, मतलब दूसरे सीजन में आपको एमसीयू वाली फीलिंग भी आएगी। तो हाँ, ये शो आपको एमसीयू और कॉमिक्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन दे देता है। तो दूसरे नंबर पर है हल्क एंड द एजेंट्स ऑफ स्मैश। और ये सीरीज बनाई है पॉल डीनी ने, जिन्हें बैटमैन की फेमस एनिमेटेड सीरीज बनाने में भी काम किया था और वो सीरीज बहुत ज्यादा औसम है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शो कितना औसम होगा। और अगर आप एक हल्क के फैन है तो आपको ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इस सीरीज में हल्क के पास खुद की एक टीम होती है जिसमें रेड हल्क, शी हल्क, स्कार जैसे कैरेक्टर्स होते हैं और ये भी एक अच्छा शो है जिसको आप देख सकते हैं। तो अगले नंबर पर है मार्वल राइजिंग सीक्रेट वॉरियर्स। अगर आप मार्वल में कुछ अलग देखना चाहते हो, मतलब अलग सुपर हीरोज देखना चाहते हो, नए सुपर हीरोज देखना चाहते हो, ओरिजिनल एवेंजर्स से हटकर नए सुपर हीरोज देखना चाहते हो, तो ये शो आपके लिए है। क्योंकि जैसा इस शो के नाम से ही पता चलता है इसमें सारे नए सुपर हीरोज है जैसे कि मिस मार्वल, माइल्स मोरालेस, आयरन हार्ट, क्वैक्स। तो हाँ, आप इस शो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अगला शो है द अल्टीमेट स्पाइडरमैन। और अगर आप स्पाइडरमैन के फैन है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये शो आपको पसंद आ जाए। इस शो में स्पाइडरमैन शील्ड के साथ ट्रेनिंग करता है ताकि वो एक रियल सुपर हीरो बन सके और वो भी एवेंजर्स या शील्ड का पार्ट बन सके। और इस शो में स्पाइडरमैन के पास खुद की टीम भी होती है जिसमें आयरन फिस्ट, नोवा, पावर मैन, व्हाइट टाइगर जैसे हीरोज होते हैं। तो आप ये शो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अगले नंबर पर है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। तो अगर आपको गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी पसंद आई थी तो ये शो आपके लिए। और ये शो भी बहुत अमेजिंग है। भले ही ये एमसीयू की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जैसा बिल्कुल सेम नहीं है पर कहीं ना कहीं आपको वैसी फीलिंग आई जाती है और इसमें बहुत सारी ऐसी स्टोरी लाइन्स है जो शायद कभी एमसीयू में आए भी ना। तो ये भी एक बहुत अमेजिंग शो है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगला शो है एवेंजर्स असेंबल। तो इस शो में एमसीयू की मूवीज से सिमिलर बहुत ज्यादा एलिमेंट्स है और इसमें बहुत सारी नई कॉमिक्स की स्टोरी लाइन्स भी है। और अगर आपको एवेंजर्स पसंद है तो ये शो आपको जरूर पसंद आएगा और इसमें बहुत सारे नए कैरेक्टर्स भी है। तो ये भी एक अच्छा शो है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप एक मार्वल फैन है और आपको एनिमेटेड शोज भी पसंद है। तो इसी के साथ आज की वीडियो यही एंड करते हैं। और अगर आपको भी कोई अमेजिंग शोज बताओ तो कमेंट में जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और आगे की औसम वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।